आज कायाकल्प अवार्ड के तहत हमारे जिला महिला चिकित्सालय के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि अवार्ड मिला हुआ है इस हॉस्पिटल को। तो आज उसी की तैयारी चल रही है और बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। देखिए ये गुब्बारे वगैरह लगाए जा रहे हैं, सब इंतजाम है खाने पीने का, गुब्बारे का। अभी भैया पूरी रहना चाहिए पूरी टाइम, हाँ खूबसूरत रंगोली बना रहे तुम लोग। हाँ बना बना बना, हाँ फटाफट रंगोली, इनके निर्देशन में रंगोली बन रही है। पेट भी सज रहा है, आगे वो फूल वाले स्टेज पे लगवाना था। अरे बोल यार, चाइस फल ला रहा है फटाफट। हाँ हाँ इधर लगा दी, इधर और कहाँ लगाओगे। फटाफट लगाओ, टाइम हो रहा है भैया। यार यहाँ का बैनर पूछो कहाँ है, ये बैनर यहाँ पे मैडम से पूछो। वो कहाँ है दूसरी ड्यूटी पे, उस साइड में। अरे कितने रह गए गुब्बारे, क्या भाई ये गुब्बारे तुम्हारे फट रहे हैं अभी से, कहीं रास्ते में फट ना जा सब। हैं क्या ये गुब्बारे वगैरह लगाए गए हैं पीछे लगा, पीछे पीछे पीछे, अरे पीछे लगा उसके। आज कायाकल्प अवार्ड मिलेगा आपको, कैसा महसूस हो रहा है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और ये अवार्ड मिलेगा तो अच्छी बात है। हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल इससे ज़्यादा मतलब आज कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह है 2019-20 का, और इसमें जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारी लोग आएंगे, और जो कर्मचारी अधिकारी अच्छा कार्य किया उसको सम्मानित करेंगे। किया है पूरा कायाकल्प अवार्ड के लिए, अब हम जिलाधिकारी महोदय का इंतजार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी गर्ग को, डॉक्टर यशवंत जो हमारे यहाँ के एमएस हैं, क्लैप और देके उनका स्वागत करें। एडीएसआईसीओ महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर सुबोध शर्मा को, डॉक्टर यशवंत क्लैप और देके उनका स्वागत करें। जो हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर आर एस गिरी, वो एक ट्रेनिंग में एसडीए की बिजी हैं, तो वो हमारे बीच में भी नहीं आ पाए हैं। केवी सर, एडीएसआईसी सर, सीएमओ सर, ने यहाँ आकर कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह में आप लोगों का उत्साह वर्धक के लिए आप लोग सब आए, इसके लिए सर आप लोगों का।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये कायाकल्प क्या है? कायाकल्प अवार्ड 15 मई 2000। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडिशनल डायरेक्टर सर, एडी एसएससी सर, सीमा साहब और सीएमएस महोदय और उपस्थित समस्त। उसके वनस्पत जो भारत में विकास दर कम है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो कोविड में रिस्पांस हम लोगों का रहा है बहुत बेहतर रहा है, और वो इसी कारण रहा है कि हमारी सरकारी मशीनरी आपदा के समय में बहुत बेहतर कार्य कर सकती है, ये आप सभी ने दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ कि प्राइवेट केयर हमेशा क्यूरेटिव केयर होता है। प्राइवेट नर्सिंग होम देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नर्सिंग होम्स बन जाएंगे, वो क्यूरेटिव केयर पे फोकस करते हैं, लेकिन आप और हम लोग प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर प्रिवेंटिव केयर हम बहुत बेहतर करते हैं तो क्यूरेटिव केयर की आवश्यकता मिनिमम हो जाती है, ख़त्म नहीं होगी, मिनिमम होगी, और वो काम हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, इसलिए इसकी सार्थकता है। सरकारी सेवा की सार्थकता इसलिए है कि हम लोग उन तबकों तक पहुँचते हैं जिनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है संसाधनों के अभाव में, इसलिए आप लोग का जो कर्तव्य है बहुत बढ़ जाता है। और कर्तव्य को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप में आत्म प्रेरणा बहुत हो। कई बार मेरे पास भी अच्छी लगी, जब ये आई थी इनविटेशन देने तो हमने बोला पुरस्कार किसको दे रही हैं, मैंने पुरस्कार आप किसको देंगी, तो बोली कि सभी को पुरस्कार देंगे हम, हमारे जितने एम्प्लॉई हैं। तो हमने बोला क्या बेहतर किसने किया है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर हम ये नहीं देख रहे हैं कि बेहतर किसने किया है नहीं किया है, लेकिन हमारे अस्पताल को पुरस्कार मिला है तो हमारे सभी एम्प्लॉई इसमें कहीं ना कहीं योगदान दिया है। ये देखिए कितनी बहुत, मैंने इसको कितने बेहतर आप इसको रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हर एक योजना में होता है कि कुछ लोग बहुत बेहतर कार्य करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता दिखाई है, और इससे जो छूटे हुए भी हैं जो योगदान नहीं दिए हैं वो भी इस बार आपके अभियान में पुरजोर तरीके से शामिल होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग प्रण लें कि इस बार सबको एक साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता दिखाई है, और इससे जो छूटे हुए भी हैं जो योगदान नहीं दिए हैं वो भी इस बार आपके अभियान में पुरजोर तरीके से शामिल होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग प्रण लें कि इस बार डॉक्टर ललित कुमार वरिष्ठ निष्ठेतक है, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जो हमारी क्वालिटी टीम के नोडल अधिकारी थे, डॉक्टर युगल किशोर तैयार है, डॉक्टर तौकीर नबी जिला परामर्शदाता क्वालिटी एश्योरेंस के इंचार्ज हैं, डॉक्टर निशा सिंह राणा, श्री अजय पाल सिंह गनवार अपर शोध अधिकारी, राजेश कुमार स्टोर इंचार्ज चीफ फार्मासिस्ट, उपेंद्र प्रकाश रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज हैं, बहुत बड़ा काम है इनका। आपका नाम मेरे हाँ पकड़ ना बेटा। श्री दिनेश कुमार अरोड़ा प्रधान सहायक लिपिक हैं, इसे दिखाते हैं। अब मैं मैडम साहब को आमंत्रित करूंगा जो कि संचालन भी कर रही हैं, और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है पूरे हॉस्पिटल को बनाने में, तो नीरालाल जी का स्वागत है और उनको अवार्ड के लिए चुना गया, जोरदार तालियां बजाइए।
ये इनाम दिखाओ ऊपर जरा, थोड़ा सा दिखता चाहिए, सब लोग दिखाओ जरा अपना अपना। वाओ क्या बात है, आप सबसे पहले हमारे मिठा भाई आ गए नरेश पटेल। तुम लोग नहीं मिला अभी इनाम, नरेश पटेल गायब हो गए, अभी तक बैठे नहीं आए। खाना खा लो, नहीं नहीं बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं। अरे मेरा तो अपना देख लूँगा। हाँ भाई चलने की, अब भाई खाना वाना खा लिया जाए और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कायाकल्प अवार्ड का टेस्टी खाना है, धन्यवाद।